देखो अच्छे, अब हम रिजल्टेंट ऑफ मल्टीपल वेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मान लो दो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे एक ब्लॉक है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक है ए, एक वेक्टर क्वांटिटी लग रही है ए, एक लग रही है बी, इन दोनों में कितना एंगल है थीटा, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो लास्ट क्लास तक हमने ये पढ़ा था कि जैसे दो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनका रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और जो रिजल्टेंट होता है उसका क्या एंगल बनता है, जैसे रिजल्टेंट है इसका एंगल क्या बनता है ए के साथ, टेन फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हम लोगों ने ये सीखा था, बट जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था उसमें हमने सिर्फ दो ही वेक्टर सॉल्व करने सीखे थे कि दो ही वेक्टर हों। अब मान लो हमारे पास मल्टीपल वेक्टर हो जाए, क्या हो जाए, मल्टीपल वेक्टर। जैसे मान लो लास्ट क्लास तक तो ये था कि एक ब्लॉक है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं 10 10 न्यूटन के, अब नेट फोर्स क्या होगा निकालना है। बट मान लो एक ब्लॉक पे दो से ज़्यादा फोर्स हैं, 3 4 5 फोर्स हो सकता है, सारे लोग अपनी तरफ खींच रहे हों। जैसे मान लो आप लोगों को कोई चीज़ पा जाए, कुछ खजाना वजाना हो, सारे लोग खींच रहे हैं, जैसे मूवी में देखते थे आप लोग हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, सारे लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो अब उसमें क्या होगा, उसमें मल्टीपल फोर्सेस हो गए, मल्टीपल वेक्टर क्वांटिटी आ गई। ऐसे सिनेरियो को किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये हम जानेंगे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं मेनली, क्या होते हैं दो तरीके। तो पहला तरीका क्या होता है, जैसे मान लो अच्छे लेटेस्ट एक हमारे पास ये है, एक ब्लॉक है उस पर फोर्स लग रहा है 10 10 न्यूटन के, 3 फोर्स लग रहे हैं मान लो ऐसे, ये मान लो 60 डिग्री के एंगल पे है, ये 60 और ये भी क्या है 60, ये 60 ये 60, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा ऐसा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बताओ भाई नेट फोर्स क्या होगा, इन सब का नेट क्या होगा। तो हमने तो लास्ट क्लास तक फॉर्मूला सीखा था रिजल्टेंट का, क्या फॉर्मूला था बच्चों को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इसमें एक बार में सिर्फ दो ही वेक्टर को सॉल्व किया जा सकता है, दो क्वांटिटी को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मान लो एक बार में या तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, इधर देखो अच्छे, या तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, या इन दोनों का निकाल लो, या इन दोनों का निकाल लो, एक बार में सिर्फ दो ही सॉल्व करते हैं। तो फिर कैसे करें, हमें तो तीन का चाहिए, तो एक काम करो पहले दो का रिजल्ट निकाल लो, जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, फिर इन दोनों के रिजल्टेंट के बाद जब इन दोनों का नेट आ गया तो उन दोनों का जो नेट आया और फाइनली जो तीसरा बचा उन दोनों का सॉल्व कर लेना। देखो अच्छा एक्चुअली क्या है कि पहले हम देखो एक बार में दो कर सकते हैं, तो पहले दो को सिंप्लीफाई करके एक में कन्वर्ट कर लो, दो का रिजल्ट निकाल लो, एक कर लो, फिर जो रिजल्ट आएगा और जो बचा हुआ होगा उन दोनों का फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। समझ में आया बच्चों, क्योंकि एक साथ आप क्या कर सकते हो, सिर्फ दो ही कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या तरीका है, या तो हम इन दोनों का रिजल्ट निकाल लें, रिजल्टेंट निकाल लें, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो बीच में आएगा उसको और इसको सॉल्व कर लेंगे, बच्चे को किसी भी दो का रिजल्टेंट निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब देखो बच्चे, मैंने ना मैं चाहूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से करा सकता हूँ, बट मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज़ करूँगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी, जब क्लास हम लोग ख़त्म कर रहे थे उससे पहले हमने आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी, हमने कहा था ये चीज़ें हमेशा याद रखना। क्या क्या सिखाया था मैंने आपको, मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। रिकैप में ये था कि अगर ये दो वेक्टर अगर बराबर हों, दो वेक्टर बराबर हों, उनमें 60 डिग्री का एंगल हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, अगर दो वेक्टर बराबर हों तो उनका रिजल्टेंट होता है एक्स रूट थ्री। ये केस बताया था, अगर दो वेक्टर बराबर हों उनमें 90 डिग्री का एंगल हो तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, एक्स रूट टू, ठीक है। और अगर दो वेक्टर बराबर हों उनमें कितने डिग्री का एंगल हो, 120 डिग्री का एंगल हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, एक्स होता है। ये बताया था, नहीं बताया था मैंने, हाँ अच्छे लास्ट क्लास की वीडियो देखना बच्चे, अब समझ में आएगा। अब तो एकदम मिस कर दी, क्योंकि यहाँ एक ही क्लास इतनी मैटर करती है कि नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। हमने ये फॉर्मूला लगाया था, अगर ये इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो इस फॉर्मूले से तो ये आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्ट निकालो तो ये आ जाएगा। तो अब देखो अच्छा, जैसे मान लो, या तो मैं आपको दोनों तरीके से सिखा देता हूँ, एक तो शॉर्ट ट्रिक से भी सिखाता हूँ, एक लॉन्ग ट्रिक से भी सिखाता हूँ। मान लो मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठा हूँ और मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मेरे को याद है इस वेक्टर को भी भूल जाओ, क्योंकि हम एक बार में कितने वेक्टर को सॉल्व कर सकते हैं, दो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बता सकते हो, 10 और 10,
टेन मान लीजिए नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो ये है नहीं, इनकंसिस्टेंट कितना आएगा? 10। कैसे बच्चे बताओ? मैंने कहा था जब दो वेक्टर में 120 डिग्री का एंगल होता है तो उनका रिजल्टेंट उसी के बराबर ही होता है, और कहाँ होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और कहाँ होगा? ठीक बीच में होगा। कहाँ होगा? ठीक बीच में। तो इन दोनों का रिजल्ट ये आ गया, और बचा हुआ वेक्टर तो ये है ही, इन दोनों का रिजल्ट ये आ गया और ये भी है। अब इसको लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ नेट फोर्स कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 20 न्यूटन। कैसे 20? कैसे? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और एक इन दोनों का रिजल्टेंट 10 आ गया, और 10 यहाँ पर ही एक और 10 है, 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20। अगर इससे शॉर्ट ट्रिक से ना करें, पूरा लंबा एक्सपेंड करके करें तो कैसे होगा? इधर देखो अच्छे, शॉर्ट ट्रिक ना अपनाएं, पूरा एक्सपेंड करके करें तो देखो क्या होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक ना अपनाएं और पूरा एक्सपेंड करके करें तो एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग तीन वेक्टर हैं तो इस तीसरे वेक्टर को भी भूल जाते हैं, इस वेक्टर को भूल जाते हैं, क्योंकि एक बार में आप कितने वेक्टर सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूले से? दो। कितनी वेक्टर क्वांटिटी ले सकते हो? दो। तो मान लेते हैं ये नहीं है, हम लोग मान लेते हैं सिर्फ ये दो वेक्टर हैं, 10 है और 10 है, कितने कितने डिग्री में इनमें एंगल, इसको बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे दोनों का, तो क्या फॉर्मूला लगता है? एक है 10 का स्क्वायर, ये भी क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस, कितना लेंगे कॉस? 120। कॉस 120 होता है माइनस हाफ। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप भी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। पूरा सॉल्व आप कर ही लोगे ना, अच्छे वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो इन दोनों का नेट क्या आ गया? 10 आ गया। और कहाँ आएगा 10? एंगल क्या बनेगा? बीच में। बीच में बताओ, आप बताओ बीच में, ठीक बीच में क्यों बताओ? ठीक बीच में क्यों? अगर आपको एंगल निकालना है तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा वाला फॉर्मूला? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ही लगा सकते हो। पर ठीक बीच में क्यों आएगा बताओ? क्योंकि हमने बताया था जब वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है? ठीक बीच में होता है। जैसे मान लो आप और आपके बहन में लड़ाई हो गई, आप इधर खींच रहे हो, बहन इधर खींच रही है, और दोनों का फोर्स क्या है? बराबर है, तो बॉडी कहाँ जाएगी? बीच में। अगर फोर्सेस बराबर है, अगर फोर्सेस क्या हैं? बराबर है, तो बॉडी कहाँ जाएगी? बीच में। अगर बराबर नहीं है तो बीच में नहीं जाएगी। निकाल के दिखा सकते हैं ऐसे फॉर्मूले से, चाहो तो मैं पूरा फॉर्मूला पुट करके दिखा सकता हूँ। आई बात समझ में? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? 10 होगा। और कहाँ होगा? बीच में, ठीक बीच में। ठीक बीच में मतलब कितना डिग्री के साथ? 60। अब हमने इसको नहीं माना था, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया? ये आ गया। अब इन दोनों का रिजल्ट ये आ गया, तो इन दोनों को लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट तो क्या आ गया? 10 न्यूटन आ गया। इन दोनों का रिजल्ट 10 न्यूटन आ गया। अब ये इन दोनों का रिजल्ट आ गया, और ये अब हमने जो नहीं लिया था इसको भी क्या कर लेते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं। ये भी 10 लग रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। जब सेम डायरेक्शन हो तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा बच्चे? 20 न्यूटन। तो इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा फोर्स दे रखे हों, दो से ज़्यादा फोर्स दे रखे हों, तीन दे रखे हों, चार दे रखे हों, पर अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो एक बार में पहले दो को सिंप्लीफाई कर लो, फिर बाद में जो उसका रिजल्ट आएगा उसको दूसरे के साथ सिंप्लीफाई कर लेना। कोई डाउट बच्चे? बोलो बोलो बोलो।